Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here is a book and the name of the book is Grammar Glitter Odyssey. And this is book 2. Today we will start chapter number 6. And the name of the chapter is One and Many. So yes, in this chapter, we will learn about different singular and plural nouns. So singular numbers, what are they? A noun which stands for only one person, one thing or animal is said to be of singular number. So aisa koi noun, jo sirf kisi ek ki baat karta hai, usse hum singular noun kehte hain. And the examples are flower, bag, pencil, etc. Next comes plural. So a noun which stands for more than one person, animal, thing. So aisa noun jo ek se zyada kisi bhi cheez ki ek se zyada variety ke bare mein, ek se zyada cheezon ke bare mein baat kare, unhe hum plural numbers ya plural nouns kehte hain. And the example is फ्लावर का बन गया फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स. बैट बन गया बैट्स, बहुत सारे बैट्स. और पेंसिल बन गए पेंसिल्स, बहुत सारी पेंसिल्स. काउंटेबल नाउन्स कैन बी प्लूरल. अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन्स की, उन नाउन्स की जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो उनका तो प्लूरल हो सकता है. बट अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी. लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल नहीं हो सकता. जैसे कि राइस, आर आई सी ई, राइस. राइस क्या है? एक प्लूरल, सॉरी, ये अनकाउंटेबल नाउन है. राइस को आप काउंट नहीं कर सकते. तो राइस का प्लूरल आप राइस ही लिखेंगे, चाहे सिंगुलर लिखें चाहे प्लूरल लिखें, दोनों में ही आप आर आई सी ई राइस ही लिखेंगे. बट अगर हम बॉय की बात करें जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उसका हम प्लूरल बॉयज बना सकते हैं. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल तो हो सकता है बट अनकाउंटेबल्स का नहीं. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. ए एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. अंडरलाइन द नाउन्स एंड राइट वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल. तो हमें नाउन्स को अंडरलाइन करना और बताना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. तो फर्स्ट वन इज ध्रुव गेव हिज मदर फ्लावर्स. ध्रुव ने अपनी मम्मी को क्या दिए? फ्लावर्स दिए. तो यहाँ पे नाउन्स कौन कौन से हैं? ध्रुव, मदर, फ्लावर्स. तो आप बताइए यहाँ कि क्या मदर जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. सो यस, मदर इज काउंटेबल. एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? वो भी काउंटेबल है. अब आपको क्या बताना है कि ये जो नाउन है ये सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है. सो मदर है सिंगुलर, एक मम्मी है. एंड फ्लावर्स है प्लूरल, ज्यादा फ्लावर्स है. सो मदर के लिए लिखेंगे सिंगुलर एंड फ्लावर्स के लिए लिखेंगे प्लूरल. नेक्स्ट, श्याम पुट हिज बुक ऑन द टॉप. तो श्याम ने अपनी बुक को टॉप पे रखा. तो यहाँ पे नाउन क्या है? बुक. कितनी बुक है? एक. तो ये है सिंगुलर. नेक्स्ट, सीमा गॉट अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स. सीमा के पास क्या है? पेंसिल्स का एक बॉक्स है, बॉक्स ऑफ पेंसिल्स. तो क्या आप इन्हें सिंगुलर में है या प्लूरल है? इट इज, बॉक्स इज सिंगुलर एंड पेंसिल इज प्लूरल. अभी सॉ टू एम्प्टी सीट्स. अभी ने दो एम्प्टी सीट्स देखी. तो क्या देखी? सीट्स देखी. तो सीट यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल? इट इज प्लूरल. वी गॉट टू शॉपिंग कार्ट्स. हमने दो शॉपिंग कार्ट्स लिए. तो कार्ट्स कितने हैं? वन या मैनी? सो दे आर मैनी. सो वी विल राइट हियर प्लूरल. We bought
oranges. Oranges कितने यहाँ पे? बहुत सारे. So again we will write here plural. I hope this is clear, children. Now let's see how can we form the plural of a noun. Noun का plural कैसे बना सकते हैं? So what is the first rule? First rule कहता है by adding s to the singular. तो जितने भी singular noun हैं, उनके साथ क्या लगा दो? S लगा दो. तो यहाँ पे first example दिया हुआ है bird. And bird में जब हमने s लगाया, तो क्या बन गया? Birds. Similarly, next है arm. Arm में s लगा के बन गया arms. Arm. Girl, girls. Bat, bats. Lion, lions. Fan, fans. Flower, flowers. And tree, trees. तो हमने क्या किया? In singular में सिर्फ s लगाया और उनका plural बना दिया nouns का. Next is by adding es. तो कुछ words है जिनके last में हम es लगाएंगे तो वो plural में convert हो जाएंगे. कौन से है वो word? ऐसे words जिनका last letter क्या होना चाहिए? S. Last letter क्या होना चाहिए? Z. Last letter X. Last letter SH. या फिर last letter CH होना चाहिए. तो किसी भी नाउन के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी लेटर आता है तो हमें इसमें क्या करना है? ES लगाना है. तो जैसे यहाँ पे पोटैटो, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन O भी अगर किसी का लास्ट वर्ड है तो उसमें भी हमें ES लगाना है. तो पोटैटो में O इज द लास्ट वर्ड, तो हमने ES लगा के पोटैटोस कर दिया. ड्रेस, ड्रेस बन गया ड्रेसेस. डबल एस भी अगर किसी के लास्ट में आ रहा है तो भी हमें ई एस लगाना है. चर्च, सी एच, तो चर्चेस. बॉक्स, एक्स है लास्ट वर्ड तो ई एस लगा के बॉक्सेस. नेक्स्ट बुश, बुश, एस एच है लास्ट वर्ड तो ई एस लगा के बुशेस. हीरो क्या बन गया? हीरोज. एंड गैस, गैसेस. मॉस्किटो, मॉस्किटोज. सो हमें क्या करना है? इन सारे वर्ड्स अगर किसी भी नाउन के लास्ट में ये सारे वर्ड्स आते हैं तो हमें ES लगाना है ताकि ये वर्ड्स प्लूरल में कन्वर्ट हो सके. नाउ थर्ड रूल क्या है? वी मेक द प्लूरल ऑफ नंबर ऑफ नाउन, प्लूरल नंबर ऑफ अ नाउन दैट एंड्स इन वोवेल Y. So, vowel Y, जिनके भी लास्ट में आता है उनमें क्या करना है? एस लगाना है. फॉर एग्जाम्पल बॉय, लास्ट वर्ड क्या है? वाई. तो क्या बन जाएगा? बॉयज. नेक्स्ट वर्ड इज डे, डे बन गया डेज. नेक्स्ट इज मंकी, मंकी बन गया मंकीज. टॉय, toys. Donkey, donkeys. And tree, trees. तो चिल्ड्रन हमें क्या ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि लास्ट में क्या है? Y एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए लेकिन Y से पहले एक वॉवल भी आना चाहिए. वॉवल होना चाहिए और Y होना चाहिए. तो आप देखिए वॉवल है O और Y, तो हम S लगाएंगे. यहाँ पे भी वॉवल है A और Y है तो हमने S लगा के बेस कर दिया. सिमिलरली Y से पहले वॉवल है E, यहाँ पे Y से पहले वॉवल है O, यहाँ पे Y से पहले वॉवल है E और यहाँ पे Y से पहले वॉवल है A. तो Y से पहले अगर वॉवल है तो हम S लगा देंगे. क्लियर? अब चलिए अगले रूल पे आते हैं. नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या कह रहा है? By changing Y into I, Y जो है क्या बन जाएगा? अगर किसी भी वर्ड का लास्ट वर्ड Y है तो उसे चेंज करके हम क्या बना देंगे? I. And adding ES, और I के साथ ES को
ऐड कर देंगे. कब करेंगे ऐसा? टू द सिंगुलर इफ देयर इज अ कंसोनेंट बिफोर वाय. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि वॉवल है और उसके साथ जो है वाई है, तो हम सिर्फ एस लगाएंगे. बट अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट बाद वाई आ रहा है तो हम आई ई एस लगा देंगे. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा है. फर्स्ट वर्ड इज ए आर एम वाई आर्मी, तो हम देखेंगे लास्ट वर्ड क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के हम आई कर देंगे और ई एस लगा देंगे, तो आर्मी बन जाएगा आर्मीज. सिमिलरली नेक्स्ट वन बी ए बी वाई, तो वाई से पहले है एक कॉन्सोनेंट, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाएंगे आई ई एस लगा देंगे, तो बी ए बी आई ई एस बेबीज. नेक्स्ट है कॉपी, तो वो बन जाता है कॉपीज, क्यों, क्योंकि वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, वो कौन सा कॉन्सोनेंट है, पी. नेक्स्ट है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्या बन गया, लाइब्रेरीज, तो वाई से पहले है आर जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने वाई को हटाया उसकी जगह आई ई एस लगा दिया. नेक्स्ट इज फैमिली, अब फैमिली में वाई से पहले है एल जो कि कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटा के आई ई एस लगा दिया. स्टोरी में वाई से पहले है आर जो कि कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटाओ और आई ई एस लग जाएगा. सिटी में वाई से पहले टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, आई ई एस लगा के सिटीज कर देंगे. सिमिलरली चेरी विल बिकम चेरीज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट. बाय चेंजिंग एफ इनटू वी, एफ को हमें वी में कन्वर्ट कर देना है, तो किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर एफ है उसे हटा के वी लगाना है एंड उसके साथ ई एस लगा देना है. नाउ सी ए एल एफ हाव, एंड एफ को हटाया हमने वी ई एस लगा के बना दिया कार्स. नेक्स्ट इज एल, एल्स में से एफ हटाया और वी ई एस लगा के बना दिया एल्स. थीव बिकम्स थीव, और लोफ को बना दिया लोफ्स. हियर ऑल्सो वुल्फ बिकम्स वुल्फ्स, शेल्फ बिकम्स सेल्स, लीफ बिकम्स लीव्स, एंड वाइफ बिकम्स वाइफ. तो हमने क्या किया, जिस भी नाउन के लास्ट में एफ है उसे हटा के वी ई आर एस को इंसर्ट करना है टू कन्वर्ट दैट नाउन इन प्लूरल. नाउ द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6, बाय चेंजिंग इन अ वॉवल इन सिंगुलर नाउन, हमें क्या करना है, अंदर के वॉवल को जो है हमें चेंज करना है, अंदर जो वॉवल है उन्हें चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल आप फोर्स देखो, यहाँ पे क्या है फुट, तो इसमें डबल ओ लगा हुआ है, मीन्स ये क्या है वॉवल, तो डबल ओ को हमने चेंज करके डबल ई बना दिया, ये बन गया फीट. मैन, अब बीच का जो ये वॉवल है इसे चेंज करके हमने बना दिया मैन. माउस बिकम्स माइस, वुमेन बिकम्स विमेन, goose becomes geese, tooth becomes teeth, louse is lies, and ox is oxen. तो हमने क्या किया है, पूरी तरह से इनके plurals को चेंज कर दिया है. सेवेंथ पॉइंट is some plural nouns are the same as their singular ones. तो कुछ plural noun है वो सिंगुलर में भी वही रहेंगे और प्लूरल में भी वही रहेंगे, जैसे डियर को हम डियर ही बोलेंगे चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, ऐसे ही फिश को फिश ही रखेंगे चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल. सिमिलरली शीप और हेयर के साथ भी है. नेक्स्ट एट रूल इज सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन है
जिन्हें हमेशा हम प्लूरल ही रखते हैं, जैसे कि गॉगल्स, इसे कभी गॉगल नहीं बोलते हैं क्योंकि गॉगल मीन्स चश्मा, हमेशा उसके आपको दो पार्ट ही मिलेंगे। तो ऐसी चीजें जिनके दो पार्ट मिलेंगे वो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। सिमिलरली स्पेक्टिकल्स, उन्हें भी चश्मे को ही कहते हैं स्पेक्टिकल्स, तो ये भी एस के साथ ही रहते हैं हमेशा। ट्राउजर्स, आप जो पैंट पहनते हैं वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो उन्हें भी एस के साथ ही बोला जाता है, ट्राउजर नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट है सीजर्स, आपके घर में जो सीजर होगी वो भी आपने देखा होगा टू पार्ट्स में ऐसे रहती है, तो उसे भी सीजर्स ही बोला जाता है। नेक्स्ट है जीन्स, नेक्स्ट शॉर्ट्स। बाइनोकुलर्स मीन्स, बाइनोकुलर्स आपने देखे है ना, जैसे आप दूर की चीजों को पास देख सकते हो, बाइनोकुलर्स, तो वो भी हमेशा टू के पेयर में होते हैं। नेक्स्ट इज पैजामास। सो ये जितने वर्ड्स यहाँ पे हैं, इन सब में से एस को आप नहीं हटा सकते, इनके सबके लास्ट में एस है जिसे हम नहीं हटा सकते, और हटाएंगे तो ये वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। तो चाहे हम इसके सिंगुलर की बात करें चाहे प्लूरल की बात करें, हमें हमेशा यही वर्ड्स दिखने हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बुक एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज बी, राइट सिंगुलर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल नाउंस। यहाँ पे कुछ प्लूरल नाउंस हैं, इनके सिंगुलर लिखने हैं। तो यहाँ पे है आईज, ये बन जाएगा आई। ऑक्सन, ऑक्सन बन जाएगा ऑक्स। शीप, शीप विल बी द सेम। नेक्स्ट इज फीट, फीट बन जाएगा फुट। नेक्स्ट इज डायरीज, अब डायरीज बन जाएगा डायरी। वाई लगा देंगे, आई एस है, आप ध्यान से देखो लास्ट में, तो आई एस हटा के वाई कर देंगे। सिमिलरली बेबी के साथ भी करेंगे, बेबीज क्या बन जाएगा, बेबी। नेक्स्ट इज पेनीज, इट विल बिकम पेनी। नेक्स्ट इज वॉचेस, वॉचेस विल बिकम वॉच। नेक्स्ट वर्ड इज माइस, तो माइस का सिंगुलर है माउस, और डिशेस बन जाएगा डिश। Children, I hope these singular nouns are clear. Now let's move on to C exercise. Here what you have to do, you have to write down the plurals of each of the following singular nouns. तो अब यहाँ नीचे जो है singular nouns दिए गए, उनके plurals हमें लिखने हैं। तो wife, last में F E R है, तो V E S लगाएंगे। तो W I V E S, wives. Next है leave, F आ रहा है, तो F की जगह V लगाना है। L E A V और E S लगा दिया, leaves। Next है deer, deer को singular में लिखो plural में लिखो, दोनों ही same है। Next is woman, तो इसको बना दो woman, E N लगा दो। Next is child, अब child में हम लगा देते हैं R E N, तो बन जाता है children। Next is lady, लेडी में है लास्ट वर्ड वाई, उसे हटा दो और वाई की जगह लगा दो आई, और फिर यस लेडीज। गैस, तो गैस का बन गया यस लगा के गैसेस, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है एस, तो जहां भी एस होता है लास्ट वर्ड वहां पे यस लगता है। नेक्स्ट है थीफ, लास्ट वर्ड है एफ, तो चलो एफ को हटाते हैं और V-E-S लगाते हैं, सो ये बन गया thieves। नेक्स्ट इज knife, knife का भी लास्ट वर्ड है F-E, हटा दो और इसकी जगह लगा दो V-E-S, knives। एंड द लास्ट वन इज tomato, लास्ट वर्ड है O, तो E-S लगा देते हैं tomatoes। तो दीज आर द आंसर्स चिल्ड्रन, लर्न देम and learn the rules, then easily you can do these exercises. The rules bahut important hai samajhna, to aap unhe samajhiye and then do the exercise.
Next is the exercise. Change the singular nouns given within bracket into their plural form to complete the sentence. तो हमें क्या करना है, सिंगुलर नाउन को चेंज करना है उनके प्लूरल फॉर्म्स में. चिल्ड्रन सॉ डैश एलिफेंट इन द कैंप. कितने एलिफेंट है? वन. चलो इसका प्लूरल बनाते हैं. सो प्लूरल इज ELAPHANTS. इस लगा दिया एलिफेंट्स. माय हाउस हैज फोर रूम. तो रूम का प्लूरल हो गया रूम्स. माय हाउस हैज फोर रूम्स. थर्ड वन, द एलिफेंट वॉज कैरिंग मेनी लॉग. लॉग का बन जाएगा लॉग्स. एलिफेंट बहुत सारे लॉग्स लेके जा रहा था, लकड़ी के टुकड़े लेके जा रहा था. फोर्थ वन, प्लीज हेल्प मी कैरी दीज बुक. बहुत सारी बुक है तो हो जाएगा बुक्स. नेक्स्ट फिफ्थ वन, माय फ्रेंड आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल. बहुत सारे फ्रेंड तो हो जाएगा FRIENDS फ्रेंड्स. माय फ्रेंड्स आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल. नेक्स्ट सिक्स वन, वी वेव मेनी डैश ऑन इंडिपेंडेंस डे. तो बहुत सारे फ्लैग्स तो FLAGS फ्लैग्स. सेवेंथ वन, द पार्टी हॉल वॉज डेकोरेटेड विद. पार्टी हॉल को डेकोरेट किया गया किससे? बहुत सारे बैलून से. तो एस लगा देंगे. एट वन इज, रितु इज 7 old. तो YEARS years old. रितु इज 7 years old. सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज चिल्ड्रन. नाउ ई एक्सरसाइज, एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द प्लूरल नंबर ऑफ द गिवन नाउन्स. हमें क्या करना है, सर्कल करना है जो सही स्पेलिंग है उस पे. तो यहाँ पे कुछ वर्ड है उनके सही प्लूरल को आपको सर्कल करना है. तो पहला है बेंच. बेंच का प्लूरल क्या होता है? बेंचेस. तो बेंच में CH है लास्ट वर्ड. क्या लगाएंगे हम? ES. तो बन जाएगा बेंचेस. सेकेंड वन, डियर. अब डियर को तो इसमें जो है हमें जो है लास्ट वर्ड इसमें जो है कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल. तो ये बन जाएगा डियर. नेक्स्ट इज की. की में लास्ट वर्ड है वाई, लेकिन वाई से पहले है एक वॉवल. तो हम सिर्फ एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा कीज. नेक्स्ट फोर्थ वन इज पोटैटो. पोटैटो में लास्ट वर्ड है ओ. तो हम क्या लगाएंगे? सिर्फ ई एस. तो ये बन गया पोटैटोस. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज लीफ. लास्ट वर्ड है एफ. तो एफ को हटाना है, उसकी जगह लगाना है वीई एस. तो बन गया लीव्स. लास्ट वन माउस. माउस को पूरी तरह से बदल के बना देते हैं माइस. सो दीज आर द आंसर्स चिल्ड्रन. आई होप यू एंजॉय डूइंग द एक्सरसाइज. नाउ लेट्स डू एफ एक्सरसाइज. Look at the picture and take the correct form. अब आपको पिक्चर देख के बताना है कि वन आपको सर्कल करना है, मैनी सर्कल करना है. तो यहाँ पे क्या है? लोफ या लोव्स. बहुत सारे लोव्स, बहुत सारे टुकड़े हैं, पीसेस हैं. टोमेटो और टोमेटोज. सो दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट एल्स और एल्स. This one is correct. Next is candies. IES. Next is cherries. IES. And the last one is watches. ES. So these are the answers, children. Do it in your book. Let's move on to the craft corner. Here we have to create something. So get into groups of 5, create a caterpillar shape and write action words with ly word combination in it. So action words likhne hain aapko, ly ko join karke. Things you will need, art paper aur ruler ki zarurat hai aapko, pencils and color pencils, glue and paper and a pair of safety scissors. So ye sari materials aapko chahiye. Aap kaise karna hai aapko? तो पहले आपको लिस्ट बनानी है 10 एक्शन वर्ड्स की एंड
प्लस करना है एलवाई वर्ड को. फॉर एग्जाम्पल स्माइल लिंक ब्रॉडली, शाइनिंग ब्राइटली, एलवाई वर्ड्स आपने इसमें ज्वाइन कर दिया है. क्राइंग लाउडली, तो ऐसे वर्ड्स आपको उन पेपर्स में लिखने हैं. तो 10 एक्शन वर्ड्स होने चाहिए. नाउ टेक अ शीट ऑफ आर्ट पेपर एंड ड्रॉ अ कैटरपिलर एंड कट इट. तो आर्ट पेपर लेना है, उसमें कैटरपिलर को ड्रॉ करना है और कट करना है. राइट द एक्शन वर्ड्स इनसाइड द कैटरपिलर. अब इन एक्शन वर्ड्स को हमें उस कैटरपिलर के अंदर लिखना है, लाइक दिस. स्माइलिंग ब्रॉडली, बीच में एक छोड़ना है क्योंकि we have to create a difference between the two words. Now we have to decorate the caterpillar as per our wish. Apni wish ke according hum is caterpillar ko decorate kar sakte hain. Show the caterpillar to your friend and ask them to make sentences on those action words. So aapko ye caterpillar apne friend ko dikhana hai aur unhe batana hai ki usse wo kya karenge, sentence banayenge. Hang those caterpillar in your study room aur aap un caterpillars ko apne study room mein hang kar sakte. So with this we have completed the chapter singular and plural. I hope you enjoyed doing the exercises. I'll be meeting you soon with a new video. Till then stay tuned and take care. Thanks for watching.